हेलो ट्रेडर्स, अगर आप नए हो शेयर मार्केट में, अभी आपने स्टार्ट ही किया है शेयर मार्केट को समझना सीखना, तो खासकर अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम करना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। ऑप्शन में काम करते समय आपको शुरुआती के 5 से 6 महीनों तक एट द मनी में काम बिल्कुल नहीं करना है और आउट ऑफ द मनी में तो बिल्कुल सोचना भी नहीं है। एट द मनी में भी आपको काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी का सबसे ज्यादा असर एट द मनी ऑप्शन प्रीमियम पर बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स में 10 से 15 मिनट तक या फिर आधे घंटे तक मार्केट वही का वही हलचल कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन फिर भी आपका एट द मनी में जो ऑप्शन होता है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है और इससे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। इसलिए अगर आपको ऑप्शन में काम करना है, खासकर बैंक निफ्टी के ऑप्शन में काम करना है, तो आपको इन द मनी में ही काम करना है। अगर आप फ्राइडे के दिन काम कर रहे हो तो आपको 100 पॉइंट इन द मनी में काम करना है। मान लीजिए कि अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स में प्राइस चल रहा है 43,000 पर, तो आपको अगर सीई बाय करना है तो आप 42,900 का सीई बाय कर सकते हैं और अगर आपको पीई बाय करना है तो आप 43,200 का पीई बाय करेंगे। एट द मनी में शुरुआती के 5 से 6 महीने तक आपको बिल्कुल काम नहीं करना है क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी का सबसे ज्यादा असर एट द मनी पर होता है। मान लीजिए कि अगर मार्केट एक जगह पर या फिर आधे घंटे तक एक रेंज में घूमता रहा, तब भी टाइम डिके की वजह से आपका एट द मनी का जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से घट जाएगा और इसी घटी प्राइस के आसपास अगर आपका स्टॉप लॉस है तो वो भी हिट हो जाएगा और ये सब होता है टाइम डिके की वजह से। तो इसलिए अगर आप बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन ऑप्शन में काम कर रहे हो तो आपको 100 पॉइंट इन द मनी में काम करना है। अगर आप मंडे के दिन काम कर रहे हो तो आपको 200 पॉइंट इन द मनी में काम करना है और अगर आप मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिन ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो आपको 300 से 500 पॉइंट इन द मनी में काम करना है क्योंकि वहां पर वॉलिटिलिटी का असर सबसे ज्यादा कम होता है और आप नए हो इसलिए आपको वहां पर काम करने में ज्यादा डर भी नहीं लगेगा। आप अपने ट्रेड पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, आप ऐसे लॉस नहीं ले सकते, तो आप उस ट्रेड से एग्जिट भी हो सकते हो और आपको वहां पर थोड़ा सोचने का टाइम भी मिलता है और साथ ही में ऐसे ऑप्शंस पर टाइम डिके का असर भी बहुत स्लो होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही ट्रेडिंग की बारीकियां सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।